सेक्शन डी जो क्वेश्चन नंबर जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करना बता रही हूँ। इन क्वेश्चनों में आपने जैसे अगर आपका कंपार्ट आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा होगा कि आपने एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट नहीं किया होगा, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 16 + 9 साइन 2x dx। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, ऊपर आपको मिल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी आपको अज्यूम करना होगा यहाँ पर हमें कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आप टी अज्यूम कर लो तो देखो आपको ऊपर वाली रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी अज्यूम कीजिए, जिसे भी हम अज्यूम करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो यू हैव गॉट dx इक्वल टू dt। इससे पहले आप एक छोटा सा टर्म ध्यान रखिए, साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप साइन 2x की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इसे इस रिजल्ट को ऐसे याद रख लो कि जहां भी साइन 2x दिखेगा और आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस वाले फॉर्मेट को ऐसे कन्वर्ट करोगे। तो देखिए लिमिट हो जाएगी 0 to π/4, लिमिट में अभी कोई चेंज नहीं किया हुआ है, केवल एक्सप्रेशन को चेंज कर रही हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, 16 एज इट इज, 9 ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। नाउ आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग इट, 0 to π/4 आप ऐसे ही रखोगे, दिस इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, केवल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 16 + 9 - 9 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर और dx एज इट इज कॉपी कीजिए। तो ये एक्सप्रेशन हो गया 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 25 - 9 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। एक छोटा सा स्टेप कीजिए, जो भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के संग मल्टीप्लाई में नंबर आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लोगे तो लिमिट 0 to π/4 एज इट इज रहेगी, हम 9 कॉमन ले रहे हैं, 1/9 हो जाएगा, ऊपर का एक्सप्रेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा 25/9 ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, तो जैसे कि हमने अज्यूम किया हुआ था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो साइन एक्स का कॉस होगा और कॉस का माइनस साइन एक्स होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहा है, 0 to π/4 यहाँ dt है, अपॉन में आएगा 25 - 9 और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है वो लिख रही हूँ, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। हमेशा log के फॉर्मूले को मॉड में लिखा जाता है क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग जो होता है वो इमेजिनरी होता है। टेस्ट में अगर आप फॉर्मूला इंडिकेट करोगे और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। तो देखिए 1/9 एज इट इज रखिए, हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, हो जाएगा 1/2 एक ही जगह है 5/3 ब्रैकेट में लॉग लिखेंगे, दैट इज योर 5/3 माइनस टी अपॉन 5/3 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसमें देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी यू हैव गॉट 1/30। इसमें एक चीज करेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे 0 to π/4, हम यहाँ एक्चुअली हमने लिमिट चेंज नहीं की हुई है तो हमें फिर से उस एक्सप्रेशन में टी को रखना पड़ेगा। तो ये 5 - 3 टी की वैल्यू थी आपकी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 5/3 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लिमिट है आपकी 0 to π/4। इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा लॉग 5 - 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 5 + 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लिमिट है 0 to π/4। अब देखिए रूल क्या होता है, पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1/30 ऐसी रखिए। उससे पहले आपको एक चीज बता रही हूँ, साइन π/4 एंड कॉस π/4 बोथ इक्वल टू होता है 1/√2 एंड साइन 0 इज 0 एंड इन द सेम वे कॉस 0 इज 1। तो देखिए अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर ही इमेजिन कर लोगे तो हमारे एक्सप्रेशन में साइन π/4 - कॉस π/4।
यहाँ हम वैल्यूज में देखिए ऊपर वाले रिजल्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं, तो 1/30 एज इट इज रखेंगे, लॉग लिखेंगे, 5 - 3 × 0 लिखोगे अपॉन में होगा, 5 + 3 × 0 माइनस लगाएंगे, लॉग 5 लिखेंगे, माइनस का साइन बनाएंगे, 3 - 1 एंड दैट इज योर 5 + 3 × -1। मैंने क्या किया है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है उन्हें यहाँ पर रख दिया है, तो 1/30 ऐसी रखिए, ये वाली वैल्यू लॉग 1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ऊपर वाला रिजल्ट हो जाएगा लॉग 8 अपॉन लॉग 2। लॉग 1 जीरो होता है, 1/30 आप ऐसी रखोगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 - log 4, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा -30 log 4। तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, केवल लेंथ ज्यादा है। अगर आप स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप स्टेप्स क्लियरली लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी का सेकेंड पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वीडियोस को देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको कंपार्टमेंट में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।